বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভাল ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকৰ কিং চিলি কেনেকৈ আপোনালোকৰ মালচিং পেপাৰ দি পেলাই কৰিব পাৰে, কেনেকৈ প্লেণ্টেশ্যন কৰিব তাৰ ওপৰত মই দেখাব গৈছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ধেমাজি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ হয়। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ গাইজ। এতিয়া বলক আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, মই বলক এতিয়া যাওঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেদৰে মালচিং পেপাৰ দি পেলাই আপোনালোকে প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰে। কিং চিলি হয়, দিছ ইজ কিং চিলি হয়। অলপমান মই হিন্দীতো কৈ দিছোঁ, ইয়ে যে ভূত জলকীয়া বোলতা হে আসাম মে, ইসকা খেতি কেসে কৰনা হে আপ লোক থোড়া দেখিয়ে, আপ লোক কা উধর ভি হো সকতা হে কোই কোই জাগা মে, লেকিন মেইনলি ইয়ে আসাম মে হোতা হে, বহুত হি বঢ়িয়া হে। দেখ লিজিয়ে হাউ টু ইউজ দিস মালসিং পেপার ইন কিং সিলি। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও, দেখিয়ে আপ লোক কেসে কৰা হে। इधर पानी देने के लिए भी अच्छा है और कोई घास भी ऊपर नहीं आएगा, नो वीड्स कमिंग अपसाइड। इतना मैं अलमान अखमियत कह दीसूँ और मालसिंग पेपर दी जो अपना खेती करे अपना खेती बहुत भल हम क्यों इत आपको अपना इतना चौक घाँ तो एक बार नोल मो अलमान अपना ছাঁটো আহি গৈছে, মই দেখাইছোঁ চক, ঘাঁহ অলপো নাহে। কিয়নো ঘাঁহ আহিবৰ কাৰণে ইয়াত কোনো আপোনালোকৰ চান্সেই নাই, কিয়নো ইয়াত আমি মালচিং পেপাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। দেখিয়ে ভাই লোক, ইয়ে যে খেতি কৰণে বোলে ফাৰ্মাৰ হে না, উচকে লিয়ে বহুত হি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হে, কিউকি এছে খেতি এছে আপ লোক মালচিং পেপাৰ প্লাষ্টিক দে কে খেতি কৰেগা না, আপ লোক কে লিয়ে বহুত হি আচ্ছা হ'গা, কিউকি ইছমে উইডছ নহি আয়েগা, घास नहीं निकलेगा। और उसके अलावा इसमें पानी देने के लिए भी अच्छा है, देखिए ऐसा होगा तो पानी देने के लिए कितना बढ़िया है। यह आसाम का आप लोग का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है ना, उधर में है और धेमाजी कृषि विज्ञान केंद्र का गार्डन है। देखिए कितना लगा के रखा है हम लोग किंग सिली, इधर किंग सिली के लिए फेमस है और किंग सिली का प्राइस भी बहुत हाई होता है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे कर रहा है ये लोग, आप लोग भी कर सकते हैं अपना घर में। ये मालसिंग पेपर ओनली किंग सिली में ही नहीं है, जो आप लोग का अच्छा वाला क्रॉप होता है ना उसमें कर सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर आप लोग इंटरक्रॉपिंग भी कर सकता है। इंटरक्रॉपिंग मीन्स अंडर में और भी खेती कर सकता है। ये जो जगह है ना, अभी तो फिलहाल हम लोग ऐसे रख रहे, आप लोग अंडर खेती कर सकता है, इसको इंटरक्रॉपिंग बोलता है। और इंटरक्रॉपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सिचुएशन में हम लोग के लिए, इंटरक्रॉपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किंग सिली है ना, एक ही टाइम में उसका जो आपका क्या बोलेगा, उसका जो सिली है ना, एक ही टाइम में आप लोग को दे देगा वो उसका पेड़, और उसके बाद ये जगह खाली हो जाएगा। इसीलिए ये जगह में आप अलग सा खेती करेगा ना, उसका भी फायदा आप लोग को मिलते रहेगा। मतलब एक ही प्लेस में दो खेती आप लोग कर सकते हैं, दो तीन ऐसे कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और एक फार्म है हम लोग का सामने, उसमें जो इंट्राक्रॉपिंग है ना वो खेती सिस्टम कर रहा है, और एक जगह में इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा है। और आज का ज़माना में इंट्राक्रॉपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हम लोग के पास भी इंट्राक्रॉपिंग है, ये जो स्वीट पोटैटो है ना सामने, ये स्वीट पोटैटो है इसमें, इसके सामने देख लीजिए ये कितना बढ़िया हो रहा है स्वीट पोटैटो। वो जो इंट्राक्रॉपिंग है ना, और इंट्राक्रॉपिंग ये जगह में आप लोग का किंग सिली हो गया, और इसके सामने आप लोग इंट्राक्रॉपिंग जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ना, उसका खेती कर सकते हैं आप। मतलब इसका जो आपका मैच्योरिटी होने से पहले इधर जो खेती करेगा उसका उत्पादन आप लोग ले सकता है, और मार्केट में जाके उसका सेलिंग कर सकता है। और जब ये किंग सिली हो जाएगा तब आप किंग सिली का भी सेलिंग कर सकता है। और किंग सिली का जो साहिदा होता है ना आसाम में और इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है। आप लोग प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। आजकल किंग सिली के लिए आसाम फेमस हो रहा था, और अभी सुना है आसाम का किंग सिली में भी थोड़ा गड़बड़ आ गया। तभी देखिए कितना बढ़िया से कर रहे हैं हम लोग।
ये मेन थिंग मैं दिखा रहा हूँ आपका, इतना बड़ा गार्डन भी नहीं है हम लोग के पास, लेकिन ये जो मालसिंग पेपर है ना उसका फ़ायदा दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। अगर मालसिंग पेपर यूज़ करेगा ना प्लास्टिक आपका, इसका थिकनेस होना सही, ये जो है ना मालसिंग पेपर ये थोड़ा पतला है, इसका जो साइज़ है ना आपका 100 mm ऐसा होना चाहिए, उसका जो थिकनेस है ना थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो आप वो एक बार आप ऐसा लगाएगा मालसिंग पेपर तो उसको 3 साल के लिए आप यूज़ कर सकता है, 3-4 साल, और ये तो आप इतना साल के लिए यूज़ नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा पतला है। अभी फ़िलहाल हम लोग के पास इतना बजट नहीं है तो ऐसा ही कर रहा है, अगर बजट होगा तो हम लोग भी ऐसा कर सकता था। आप लोग प्लीज़ अगर बजट है ना आप लोग के पास तो आप लोग थोड़ा थिकनेस वाला प्लास्टिक लीजिए तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। और ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग अच्छा से देख रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए हम लोग का इंटरक्रॉपिंग, वो जो सामने जो ट्री है ना वो हो गया हम लोग का जो आपका क्या बोलेगा, वो भी पोटैटो टाइप का ही है आपका, जो ये कापा बोलता है और ये उसका, ये जो देख रहा है ना आप लोग, ये असम का महिला है, कितना आपका मेहनत कर रहा है आप देख लीजिए। ये जो बाइडो बोलता है, हम लोग आसामीस में जो बहन है ना उसको बाइडो बोलता है, वो बाइडो वो जो बहन है ना, देखिए कितना प्यारा, कितना प्यार से इसको किंग सिली को वो प्लांटिंग कर रहा है देख लीजिए। और इसमें अभी थोड़ा बाद में हम लोग इरीगेशन इसमें करेंगे, इरीगेट करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जगह थोड़ा आपका सेंडलूम जैसा है, थोड़ा सैंडी इलाका है। बैडो एक बात पूछना चाहता हूँ बैडो, कि एक घंटा में आपकी कितना प्लांटेशन ऐसा कर सकते हैं, कितना पुली ये कर सकते हैं आप रोपण कर सकते हैं? हम लोग तो ज़्यादा तो बोलने ही नहीं जानते हैं ना। नहीं नहीं ऐसे बोलिए, एक घंटा में कितना ये कर सकते हैं आप? एक घंटा में हम लोग ऐसे वाला दो ठो करने सकते हैं। और दो ठो बेड कर सकते हैं ना? देखिए एक घंटा में आपका इसका लंबाई होगा मिनिमम 30 मीटर, 30 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा 40 मीटर, ऐसा दो प्लॉट है ना प्लांटेशन कर देगा एक घंटा में। अभी दिखा रहा हूँ कैसे वो लोग उसको ये कर रहा है, रोपण कर रहा है, मतलब प्लांटेशन कैसे कर रहा है, कैसे प्लांटिंग कर रहा है दिखा रहा हूँ। पहले आपका जो प्लास्टिक है ना वो खोलना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो होल होल करके रखा है वो, उसमें आपका ये जो ऑर्गेनिक मेन्यू है ना, ऑर्गेनिक मेन्यू वो लोग डाल देगा। अच्छा से ऐसे करके देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा मेन्यू डालेगा, मेन्यू मीन्स फर्टिलाइजर है। अभी हम लोग तो पूरा प्योर ऑर्गेनिक में कर रहा हूँ, ये देख लीजिए कैसे कर रहा है, बहुत बढ़िया से कर रहा है वो। हाँ अभी देखिए कैसे उसको बैठा रहा है, उसके बाद वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी के साथ ऑर्गेनिक मेन्यू मिक्सिंग करेगा, उसके बाद उसके अंडर डाल देगा वो। उसके बाद जब हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें पानी डालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद पानी देना पड़ेगा, छोटा है ना इतना पानी भी नहीं देना है। और इसका जो मेन उद्देश्य है ना मालसिंग पेपर, वो पानी के लिए भी बहुत ही आपका सुइटेबल होता है, उसका जो पानी का मॉइस्चर है ना वो लोग उधर छिपा के रख देता है, इसीलिए पानी कम देने से भी हो जाता है हम लोग के पास। अभी जब मैच्योर हो जाएगा ना थोड़ा आपका 10-15 दिन के बाद मैं फिर एक बार आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिए तब आप लोग का मालूम चलेगा, आप लोग मेरे को रिव्यू दीजिए उस टाइम कैसा हो रहा है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इंटरक्रॉपिंग, ये हम लोग का टोपियोका है, और टोपियोका का एक गार्डन है, इसमें हम लोग थोड़ा सा लगा के रखा है, और बाकी वो साइड है ना वो साइड में हो है एक गार्डन, उसका प्लांटेशन उधर ही हो रहा है, इधर साइड में 2-3 है गस दिखा रहा हूँ देख लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, थैंक यू गाइस। जो मालसिंग पेपर है ना उसका और एक आपका मेन इम्पोर्टेंट है बेनिफिट है, ये जब आप ये डालेगा ना उसके बाद जब इसका जो आपका मैच्योरिटी हो जाएगा उस टाइम जो फंग
फंगस लगता है ना, वो फंगस के लिए ये जो आप यूज़ करेगा ना, वो फंगस आप लोग बच सकता है, क्योंकि डायरेक्ट उसका सॉइल में कनेक्टिविटी नहीं रहता है ना, इसीलिए आप लोग वो जो फंगस से आप लोग बच सकता है। और देखिए ऐसे नहीं लगाना है, अभी जो हवा बहुत है इसमें, इसके ये मिट्टी के अंदर ऐसे कर देना है। अभी करेगा ये लोग, मतलब अभी फिटिंग नहीं हुआ अच्छा से, तब देखने का लायक बनेगा। और यही है उसका इम्पोर्टेंस। वो अल्ट्रा वायलेट है ना, उसका जो रश्मि है उससे भी आप लोग बच सकता है आपका प्लांट। ये सब के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकता है मल्चिंग पेपर, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस।